जय जोहार। विश्व आदिवासी दिवस के गाढ़ा गाढ़ा बधाई। मंच में उपस्थित हमारे उप मुख्यमंत्री महाराज सरगुजा टीएस सिंहदेव जी, मंत्री भाई कवासी लखमा जी, बस्तर प्राधिकरण के अध्यक्ष भाई लकेश्वर जी, यहाँ के विधायक भाई रेखचंद जैन जी, राजमन जी, मिथिलेश स्वर्णकार जी, महापौर सफीरा साहू जी, राजीव शर्मा जी, बलराम मौर्य जी, कविता साहू जी, अनीता पोयाम जी, मनीष शर्मा जी, सुशील मौर्य जी, समाज प्रमुख बुरिया समाज से श्री जगदीश मौर्य जी, कोया समाज से देवदास कश्यप जी, अलबा समाज से लोकनाथ नाग जी, मुंडा समाज से बाबूलाल बघेल जी, धुरवा समाज से महादेव नाग जी, बत्रा समाज से लेखन बघेल जी और गुणवाना समाज से एस सेवता जी, आदिवासी ध्रुवगढ़ समाज से लीलेश्वर ध्रुव जी, मंच में बैठे हुए सभी हमारे अतिथिगण और सभी हमारे अधिकारीगण, उपस्थित देवियों, सज्जनों, प्यारे बच्चों और पत्रकार साथियों, आज 9 अगस्त है। पूरे दुनिया में बहुत हर्षोल्लास के साथ आदिवासी भाई बहन आदिवासी दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। समाज के विकास की बातें कर रहे हैं और लगातार किस प्रकार से आदिवासी संस्कृति को बचाए रखना है इसकी चिंतन मनन कर रहे हैं। आदरणीय साथियों, पूर्वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन ये कहना जरूर चाहूंगा कि हमारे साथियों ने जैसा बताया कि 1984 से ये विश्व आदिवासी दिवस पूरी दुनिया में मनाने का फैसला किया, आज का दिन 9 अगस्त आदिवासियों के लिए समर्पित। बहुत लंबे समय से सब साथी मांग कर रहे थे, लेकिन हमारी सरकार सबसे पहले विश्व आदिवासी दिवस के दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई और इसके लिए मैं समस्त आदिवासी समाज और उनके जनप्रतिनिधियों को बधाई देता हूं कि जिनके संघर्ष का सुपरिणाम है कि ये सार्वजनिक अवकाश आप सबको मिला है। आदरणीय साथियों, बहुत सारी बातें हैं जिसे हम आप सबसे साझा कर सकते हैं। अभी आपके सामने आदिवासी परब सम्मान निधि, उसके दूसरी किस्त जारी की गई। ये पहली बार हुआ है कि आदिवासियों के जो त्योहार है, पर्व है, परब है, उसके लिए भी सम्मान निधि 10,000 रुपये का सालाना हमने फैसला किया, ताकि आदिवासी समाज अपने 30 त्योहार मना सके। आदिवासियों के जिस प्रकार से महाराज साहब ने बताया, सबसे प्राचीन सभ्यता कोई है तो आदि सब संस्कृति और उसकी सभ्यता है, आदिवासियों की संस्कृति है। और हमारा सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में हमारे आदिवासी भाई रहते हैं, चाहे छत्तीसगढ़ के दक्षिण में हो, चाहे उत्तर में हो, चाहे मध्य में हो, सब जगह कमोबेश यहाँ अधिक संख्या में है, तो मैदानी हिस्से में कम संख्या में है, लेकिन आदिवासी सभी जगह है। अलग अलग उनकी बोलियां हैं, अलग अलग उनके तीर्थ त्योहार और परंपरा और संस्कृति है, उनको हम सब मनाते आ रहे हैं। आदरणीय साथियों, इसीलिए आज आदिवासियों के जो तीर्थ त्योहार है, उसकी जो पहचान है, उसे हम लोगों ने बचाने का काम किया। सबसे पहले देवगुड़ी, सैकड़ों के तादाद में बस्तर में इसकी स्वीकृति की गई और लगभग 2100 जो देवगुड़ी है वो बन के तैयार हो चुका है। अभी जो देवगुड़ी है उसको भी वन अधिकार पट्टा हम लोगों ने दिया है, ताकि भविष्य में उस जमीन पे कोई दावा ना कर सके। वो जमीन सुरक्षित होनी चाहिए, चाहे वो बस्ती गांव में हो, चाहे वो जंगल में हो, उस जमीन का पट्टा देने का फैसला हम लोगों ने किया है और सैकड़ों के तादाद में उनको ये पट्टा दिया जा रहा है। उसी प्रकार से बादल जो संस्था है, उसमें हमारे जो लोक नृत्य है, लोक संगीत है,
उसको सहेजने का काम, जिसका बहुत सारे विमोचन अभी हम लोगों के द्वारा कलेक्टर महोदय ने कराया है। आदरणीय साथियों, उसी के साथ साथ सबसे आज जरूरी है आदिवासियों के जो आर्थिक स्थिति है उसे सुधार लाएं। हजारों साल से जंगल से उनका नाता रहा है, जंगल आज बचा है तो आदिवासी भाइयों के कारण से बचा हुआ है। वही उनके साथ जीवन यापन करते हैं, उसे सुरक्षित रखते हैं, और यही कारण है कि हम लोगों ने सर्वाधिक वनाधिकार पट्टा सबसे ज्यादा देश में कहीं दिया गया है तो छत्तीसगढ़ में। सामुदायिक दावा सबसे ज्यादा कहीं है तो छत्तीसगढ़ में, 40,000 से अधिक हम लोगों ने सामुदायिक दावा का अधिमान्यता पत्र दिया और लगभग 18 लाख हेक्टेयर जमीन उसमें दी। वन संसाधन अधिकार भी उनको दिया है। अब तो जो व्यक्तिगत दावा है उसमें ऋण पुस्तिका भी बनने लगा है, उसमें लोन भी मिलने लगा है, उसमें धान भी फसल भी बेचने का अधिकार मिला है। आदरणीय साथियों, नारायणपुर का इलाका, अबूझमाड़ का इलाका, वहां मसाहती पट्टा देने का फैसला पहली बार हुआ है, पहली बार सर्वे हुआ है, उनको भी उस जमीन में अधिकार, और जब जमीन मिल गई तो उसके समतलीकरण, उसमें बाउंड्री फेंसिंग के और उसके बाद बोर करने के, पानी की व्यवस्था भी किया जा रहा है। आदरणीय साथियों, लघु वनोपज के बारे में साथियों ने बताया कि इसी लघु वनोपज को संग्रहण करके आदिवासी साल भर अपना घर का खर्चा चलाते हैं। यहाँ की बहनें बाजार जाती हैं, कभी महुआ ले जाएंगे, इमली ले जाएंगे, जो खर्चा जितना उसको सामान खरीदना है उतना वो जो लघु वनोपज संग्रहण करते हैं उसको बाजार में पहले बेचते हैं और उसके बाद जो घर के जो सामग्री है उसकी खरीदी करते हैं। हमारी सरकार ने 67 प्रकार के लघु वनोपज न केवल खरीदी करने की व्यवस्था की, बल्कि समर्थन मूल्य घोषित किया, बल्कि खरीदने की व्यवस्था किया, और उसके साथ साथ वैल्यूडेशन भी। अभी जिस प्रकार के साथियों ने बताया कि काजू प्रसंस्करण केंद्र बना है, इमली प्रसंस्करण केंद्र बना है, मक्का प्रसंस्करण केंद्र अभी बना है, और उसी साथ तिखुर का भी, तिखुर सेक बनाने का भी हम लोगों ने फैसला किया है। तो लगातार कैसे ज्यादा से ज्यादा आदिवासियों के जेब में पैसा जाए, और उसके साथ साथ ऋण माफी भी किया, 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी का फैसला किया। अब बस्तर में आज जो परिवर्तन आया है, पहले जगदलपुर आते थे तो बाहर से सब्जियां लाया जाता था, अब स्थिति यह है कि बस्तर के किसान, बस्तर के आदिवासी, बस्तर के लोग यहां सब्जी और फल उत्पादन कर रहे हैं और यहां की सब्जियां बाहर जा रही, ये परिवर्तन आया बस्तर में। आदरणीय साथियों, 5 साल पहले और आज के जीवन में आप देखेंगे, आज गांव गांव में मोटरसाइकिल हो गया, ट्रैक्टर हो गया, जीप है, कार है, ये सब बातें अब दिखाई पड़ने लगी है। समृद्धि आई है और उसके कारण से आज मुझे खुशी है कि अब कोई सड़क काटा नहीं जाता, बल्कि लोग अंदरूनी क्षेत्र में भी सड़क की मांग कर रहे हैं, पुल पुलिया बन रहे हैं, बड़े बड़े ब्रिज बने हैं, और इसका लाभ आदिवासी आवागमन के, व्यापार के, रोजगार के लिए कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ महाराज साहब के पास जो विभाग है, स्वास्थ्य विभाग, उसके माध्यम से आज महारानी अस्पताल में कल हम लोग आंख के ऑपरेशन के जो मशीन है उसका लोकार्पण हम लोगों ने किया। अब बीजापुर में, दंतेवाड़ा में, सुकमा में, कोंडा गांव में, सभी जगह ऑपरेशन हो रहे हैं। पहले एक मेडिकल कॉलेज था, अब कांकेर में दूसरा मेडिकल कॉलेज शुरू हो गया, तीसरा गिदम में शुरू होने वाला है। तो 3-3 मेडिकल कॉलेज, हाट बाजार क्लिनिक योजना के माध्यम से लाखों लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं, निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही लोगों के। अब मलेरिया या डायरिया से लोगों की मौत नहीं होती, बल्कि उससे लड़ रहे हैं। आज मलेरिया में बड़ी कमी आई है, सिकल सेल के लिए भी अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वेधशाला, प्रयोगशाला को उस दिन हम लोगों ने करीब 50-55 करोड़ का शिलान्यास रायपुर में हम लोगों ने किया है, ताकि सिकल सेल से जो पीड़ित हैं उसका भी इलाज हो सके। उसके साथ साथ स्वास्थ्य के साथ शिक्षा की बात, हमारे बच्चे फर्राटे से बस्तर में अंग्रेजी में बात कर रहे हैं,
और बड़े बड़े लोग जो अंग्रेजी बोलने वाले वो भी दांतों तले उंगली दबा ले रहे हैं। तो इस प्रकार से न केवल स्कूल बल्कि अब अंग्रेजी कॉलेज भी हमारे यहाँ खोले जा रहे हैं। आदरणीय साथियों, आज अवसर है कि हम सब मिलके जो बस्तर शांति का टापू कहा जाता था, ये बस्तर जो सस्य श्यामला है, ये वनों से आच्छादित है, यहाँ बड़े बड़े झरने हैं, गुफाएं हैं, प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है बस्तर, और यहाँ के लोग उससे भी ज्यादा अच्छा साफ दिल के लोग हैं, भोले भाले लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। लेकिन कुछ वर्षों से भय का वातावरण बना था, आज वो भय से उन्मुक्त होते जा रहे हैं लोग। आज जो घटनाएं घट रही उसमें बहुत कमी आ गई है और उसका लाभ आम जनता उठा पा रहे हैं, आसानी से व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, शिक्षा से जुड़ रहे हैं, रोजगार से जुड़ रहे हैं और अपनी संस्कृति से जुड़ रहे हैं। तो आज हमारा प्रयास जो सुंदर बस्तर की जो कल्पना हमारे पुरखों ने की थी, आज उसे साकार करने में छत्तीसगढ़ सरकार दिन रात मेहनत कर रही है। और साथियों, मैं इस अवसर पर कहना चाहूंगा कि जिसे तेंदुपत्ता संग्रहण के बाद 2500 पहले था, आज 4000 कर दिया गया, और कोदो कुटकी जो 1500-1700 रुपए में बेचते थे, आज 3000 और 4000 रुपया क्विंटल में बिक रहा है। तो लगातार प्रयास यही है कि कैसे हम लोगों को लाभान्वित करें। गोबर खरीद रहे हैं, गौमूत्र खरीद रहे हैं, उससे भी दूध उत्पादन भी बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से हमारी कोशिश लगातार लोगों के आमदनी बढ़े, जीवन आसान हो, ये हम लोग काम कर रहे हैं। मैं आज इस अवसर पर कहना चाहूंगा कि बहुत सारे हमने निर्माण कार्य किए, तेंदुपत्ता में 4000 हमने मूल्य में खरीदी किया, पूरे देश में सबसे ज्यादा तेंदुपत्ता यही खरीदा जाता है, सबसे ज्यादा लघु उपज देश का 74% लघु उपज छत्तीसगढ़ में खरीदा जाता है। और आज ये आदिवासी दिवस के अवसर पर तेंदुपत्ता प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरण आज से होना शुरू होगा, लगभग 422 करोड़ रुपया का वितरण किया जाएगा जो तेंदुपत्ता संग्रहण करते हैं। बस्तर संभाग में 2 लाख संग्राहकों को 140 करोड़ रुपया दिया जाएगा, और साथ ही बस्तर संभाग में वन प्रबंधन समितियों को भी काष्ठ कूपों के विदोहन से प्राप्त आय का 44 करोड़ का लाभांश का वितरण किया जाएगा, इसके मैं घोषणा करता हूं। साथ ही न केवल हमने किसानों के, आदिवासियों के, मजदूरों को 7000 रुपया मजदूरों को देने का फैसला किया, यहाँ के जो हाट पुजारी है, गायता है, हाट पहाड़िया है, मोहरिया है, उसको भी 7000 रुपया देने का फैसला किया। आज तक कभी नहीं मिलता था, पहली बार ये राशि दी जा रही है। और केवल हम लोग इस क्षेत्र में नहीं बल्कि जो शासकीय सेवा में भी लगे हैं, चाहे वो मितानीन हो, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, सहायिका हो, सबका मानदेय बढ़ाने का काम किया है। हमारे पुलिस विभाग के कर्मचारी हैं, उनको भी हमने जो किट पहले किट के लिए जो पैसा नहीं मिलता था, अब उसको भी 8000 रुपए एकमुश्त देने का फैसला किया। नगर सैनिक है, उसका मानदेय हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया है। कोटवार है, उसका भी, जितने भी शासकीय कर्मचारी हैं उसका भी डीए बना रहे हैं, गृह भत्ता भाड़ा भी हम लोगों ने दिया है। देश में पहली बार गृह भत्ता भाड़ा छत्तीसगढ़ में मिलने जा रहा है। तो आज चाहे शासकीय कर्मचारी हो, चाहे विभिन्न क्षेत्रों में जुड़े हुए हो, उन सब के लिए हम लोगों ने काम किया है। तो लगातार हमारी कोशिश यही, अभी भाई लखमा जी ने जो बात कही और हमारे पूर्वोक्ता ने जो बात की, 1700 से अधिक हमारे आदिवासी जेल से छूटे हैं। अब फर्जी इनकाउंटर बंद हो गया है, आदिवासियों को जेल में ठूसना बंद हो गया है, और अधिकार संपन्न बनाने के लोहानी गुड़ा के जमीन से वापसी से जो शुरुआत हमने की, लगातार हमारा प्रयास कि कैसे हम बस्तर के लोगों को अधिकार संपन्न बना सकें, कैसे उसके जीवन में बदलाव ला सकें। और आज मुझे प्रसन्नता है कि बदलाव हुआ है,
बस्तर में बदलाव हुआ है, छत्तीसगढ़ में बदलाव हुआ है, किसानों के जीवन में बदलाव आया है, मजदूरों के, बहनों के, नौजवानों के बेरोजगारी भत्ता भी 2,500 रुपया हम लोग दे रहे हैं। इतनी राशि भाई अब लखमा अभी यहां नहीं है। जब समाज के लोगों को नारायणपुर में सबसे पहले मैंने सभी समाज के लोगों को 10-10, 20-20, 30-30 लाख रुपए देने की बात कही तो देखते रहे मुझे। जब वहां से हम लोग बीजापुर हेलीकॉप्टर में गए, हेलीकॉप्टर में पूछा आपने इतनी घोषणाएं कर दी सब समाज को देने की, तो सच में पैसा मिलेगा? विश्वास नहीं कर रहे थे। लेकिन आज मुझे प्रसन्नता है, बस्तर से लेकर सरगुजा तक हर विधानसभा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में गया हूं। आदिवासी समाज बड़ा है तो जहां जिस जिले में जिस विधानसभा में उनकी संख्या अधिक है अधिक राशि दी गई, कहीं 1-50 लाख, कहीं 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 6-6 करोड़ तक की राशि हमने दी। हर समाज को राशि हमने दी, कहीं 10 लाख, 20 लाख सबको दिया, कहीं जमीन उपलब्ध कराया सस्ते दर पे, भवन बन रहा है, कई उद्घाटन की स्थिति में है। तो इस प्रकार से सामाजिक क्षेत्र में भी लगातार हम लोगों ने काम किया है। आदरणीय साथियों, इस प्रकार से समाज की स्थिति में सुधार हो ये हमारा प्रयास। आवागमन के दृष्टिकोण से लगातार बस्तर में सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, पुल पुलियों का निर्माण किया जा रहा है। अभी इसी मैदान में जो पोस्ट मैट्रिक छात्र छात्राओं ने यहाँ सम्मेलन किया था और मुझे दीपक बैज को बुलाया गया था, सारे बस्तर के विधायक लोग उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि हमारे जो हॉस्टल में जो आपने पैसा दे रहे हैं उसको बढ़ाने की जरूरत है, वो काम भी हमारे बच्चों के लिए हमने किया। उनके बीच में मैंने कहा बजट में जरूर करूंगा और जो राशि उन्होंने मांग की थी उसको मैंने बजट में शामिल करके वो राशि हमने देने का फैसला किया। आज भी लगातार मांग हो रही है कि महाविद्यालय ज्यादा खुले, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खुले, हॉस्पिटल खुले। तो आज कुछ घोषणाएं मैं आपके बीच में करना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह है कि बस्तर में अब कांकेर में बीएड डीएड हो गया, बस्तर जिले के सभी जिला मुख्यालयों में बीएड और डीएड के कॉलेज खोले जाएंगे। दूसरा, शासकीय महाविद्यालय तोकापाल एवं लोहांडी गुड़ा में 50-50 सीटर बालक बालिका छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। तीसरा, उद्यमी विकास संस्थान गीदम रोड जगदलपुर में आदिवासियों के संस्कृति के प्रतीक बुढ़ा देव गुड़ी का निर्माण एवं मूर्ति स्थापना की जाएगी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पूर्व माध्यमिक शाला बलिराम कश्यप वार्ड जगदलपुर में हाई स्कूल के रूप में उन्नयन किया जाएगा। ग्राम बोदली से कचहनार तक 10 किलोमीटर नवीन डामर सड़क निर्माण किया जाएगा। मुंडागढ़ से लुलेर दलदली मलकानगिरी उड़ीसा लंबाई 11 किलोमीटर को निर्माण किया जाएगा। ये दोनों सड़कें ऐसी है कि यदि आपको बोदली से कचहनार जाना है तो दंतेवाड़ा होके जाना पड़ता है। ये 10 किलोमीटर सड़क बन जाएगा तो आपको दंतेवाड़ा जाने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार से मुंडागढ़ से लुलेर दलदली सड़क, पहले उसे उड़ीसा जाना पड़ता था, उड़ीसा से इधर आना पड़ता था, अब ये 11 किलोमीटर की सड़क का निर्माण होगा। और युवाओं से मैं कहना चाहूँगा, बड़े संख्या में छात्र छात्राएं हैं, नौजवान साथी हैं, जैसे रायपुर में इंडोर स्टेडियम है उसी प्रकार से जगदलपुर में भी 100 करोड़ का शानदार इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा। धर्मपुरा जगदलपुर में चूंकि अब बसाहट इधर अधिक बढ़ गया है इसलिए यहाँ पुलिस थाना और भवन निर्माण की स्वीकृति की घोषणा करता हूँ। आदिवासी समाज के रोजगार संवर्धन हेतु शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय डिमरापाल में स्थित 7 दुकानों को आदिवासी समाज को आवंटित किया जाएगा। समाज के प्रमुख लोग आए हैं, एक एक समाज को एक एक दुकान हम लोग देंगे ताकि वहाँ भी बच्चों को रोजगार मिल सके। भडरी महू उर्कुपाल कुमा कोलेंग लंबाई 14.5 किलोमीटर उसका निर्माण। मलेवाई से ककनार तक पक्की सड़क निर्माण 30 किलोमीटर और उसी प्रकार से बालक आश्रम बुरगुम विकासखंड बास्ता नार हेतु भवन निर्माण।
बालक आश्रम बोदली विकासखंड लोहाड़ीगुड़ा हेतु भवन निर्माण, जिला न्यायालय जगदलपुर चौक जगदलपुर का नामकरण भूमकाल चौक के नाम से किया जाएगा, जिला बस्तर में धर्मपुरा में धर्मू महाराज के नाम से प्रवेश द्वार का निर्माण की स्वीकृति की घोषणा करता हूं, भवरडीह नदी में उच्च स्तरीय पुलिया का निर्माण, हाई स्कूल नेतानार व हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्नयन, शासकीय कन्या हाई स्कूल बड़े किलेपाल का हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्नयन और मक्का प्रोसेसिंग प्लांट जो कोंडा गांव में बन रहा है उसका नाम माँ दंतेश्वरी मक्का प्रोसेसिंग इकाई के रूप में जाना जाएगा, इसकी घोषणा मैं करता हूं, बहुत जल्दी उसका लोकार्पण हम लोग करेंगे। और उसी प्रकार से शासकीय आदर्श कन्या महाविद्यालय कोंडा गांव का नामकरण प्रमिला देवी नाग शासकीय आदर्श महाविद्यालय कोंडा गांव की भी घोषणा करता हूं, और शासकीय पॉलिटेक्निक कांकेर का नामकरण धर्मन देव कंडरा शासकीय पॉलिटेक्निक कांकेर किया जाने की भी घोषणा करता हूं। और अंत में लखेश्वर भाई ने बकावन कॉलेज में क्योंकि वहां ग्रेजुएशन तक के पढ़ाई होती है उसे भी पीजी कॉलेज के रूप में शुरू करने की घोषणा करता हूं। आदरणीय साथियों, बहुत सारी सौगातें, ये सरकार आपकी अपनी सरकार है और लगातार जिस दिन से हमारी सरकार बनी है तब से लेके अब तक लगातार चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक उन्नति के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे हमारे आदि